अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैक अगेन GTA 5 और एक और न्यू वीडियो लेके हम हाजिर हो चुके हैं। और आज का मैगर है, मैं कहता हूँ कि सच में मज़ेदार होने वाला आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा लाजमी देखना है। और उसके साथ साथ इस अपना वीडियो में अपना नंबर प्लेट रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आप नंबर प्लेट रिक्वेस्ट चाहते हैं तो मैं यहां पर अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे पिन भी कर दूंगा कमेंट में। वहां पर आके फॉलो मार के अपना यानी कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की नंबर प्लेट रिक्वेस्ट ले आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में नंबर प्लेट रिक्वेस्ट कोई नहीं है, वही पुराने लोग ही बस रिक्वेस्ट करी जा रहे हैं। लेकिन भाई जो नए लोग होंगे मैं उन्हीं की ही नंबर प्लेट रिक्वेस्ट लूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को नहीं पता यार इस चैनल के ऊपर क्या हो रहा है, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार इस चैनल के ऊपर हम रियल लाइफ की भी वीडियोस डालते हैं और उसके साथ साथ मेगा रैम की भी वीडियोस डाल रहे हैं रेगुलरली, ठीक है ना। तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यार 25K का टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगे। चलें जी आप लोगों को पाकिस्तानी गाड़ियाँ दिखा देते हैं। तो पाकिस्तानी गाड़ियों में वही पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं लाइनअप है। यहाँ पर जी हमारे पास लैंड क्रूज़र, ठीक है, 2022 मॉडल, इसके साथ साथ है हाईलिक्स का 4X4 डाला। और यहाँ पर जी हमारे पास खड़ी है जी सिविक SI मॉडल। यहाँ पर है जी रिबॉन होंडा सिविक यानी कि रिबॉन खड़ी है। और यहाँ पर हमारे पास प्रियस खड़ी है, ठीक है, बैटरिया वाली गाड़ी है। और इसके साथ साथ हमारे पास ग्रैंडी टोयोटा क्रोला X1.6 खड़ी है। और इसके साथ साथ जी हमारे पास खड़ी है जी यारिस 2022। और यहाँ पर जी हम लोग लेके आ चुके हैं जी क्रोला अल्टिस, ठीक है, उसको भी लेके आ चुके हैं, काफ़ी भारी भरकम गाड़ी है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट गाड़ी है वो है जी होंडा सिटी, ठीक है, काशी किंग की गाड़ी आई थिंक। और चले जी आप लोगों को दिखाते हैं जी इंडियन गाड़ियाँ कौन कौन सी हमारे पास इस टाइम खड़ी हैं। तो इंडियन गाड़ी में भी वही लाइनअप है, हम अपडेट करते रहेंगे, जैसे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे उसके बाद मैं गाड़ियाँ भी अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पर जी हमारे पास वही पुरानी गाड़ी खड़ी है अपना स्विफ्ट। और यहाँ पर जी मारुति की सुजुकी, यहाँ पर है होंडाई की गाड़ी, यहाँ पर है जी मारुति सुजुकी की एक और गाड़ी, और यहाँ पर जी सुजुकी, यहाँ पर भी है जी अपना होंडाई की गाड़ी। और यहाँ पर जी हमारे पास खड़ी है जी सेट्रा होंडाई की गाड़ी है ये भी, यहाँ पर है जी बुलेरो। और इसके साथ साथ जी हमारे पास खड़ी है जी टाटा सफारी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई साहब। और यहाँ पर जी हमारे पास जो आखिरी गाड़ी बची है वो है जी जीप। तो ये एक साइड हो चुकी है जी इंडियन गाड़ियों की और दूसरी साइड जो हो चुकी है वो पाकिस्तानी गाड़ियों की। और देखते हैं जी कौन सी इंडियन और कौन सी पाकिस्तानी गाड़ियाँ आज का कंपटीशन जीत सकती हैं। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज का इंटरेस्टेड मेगा रैम, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले जी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो चले जी हम आप लोगों को दिखा देते हैं जी आज का मेगा रैम तो नहीं कह सकते बल्कि मेगा वाटर स्लाइड ज़रूर कह सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जी हमारी, देखेंगे कौन सी गाड़ी इस स्लाइड से होकर नीचे तक पहुँचेगी। तो आप लोग देख सकते हो स्लाइड यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर आकर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और यहाँ पर गाड़ी के नीचे गिरने के खतरात भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ से घूमकर और फिर यहाँ से घूमकर, यहाँ से घूमकर और जो सी गाड़ी यहाँ पर सही सलामत यानी कि पहुँच जाएगी उसी का एक पॉइंट होगा, और जो गाड़ी यहाँ से नीचे गिर जाएगी यानी कि पानी में गिर जाएगी उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई हमने पानी भी छोड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा पानी भी आ रहा है इसमें से, ये आप लोग देख सकते हो वाटर भी भाई यहाँ पर आ रहा है, हमने छोड़ा हुआ है पानी भी ताकि यार सही सलामत गाड़ियाँ पहुँच जाएँ। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी गाड़ियां हैं। और आज का यार वाकई में ना थोड़ा सा डिफरेंट है मेगा रैम। तो इसी खुशी में यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलें जी एक एक करके गाड़ियां स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जी लेते हैं जी अपना इंडिया की गाड़ी। ओके जनाब, तो पहली गाड़ी इंडिया की आ चुकी है सुजुकी की स्विफ्ट, और देखते हैं जी क्या स्विफ्ट इसको पार कर पाती है, क्योंकि यार स्विफ्ट जो है वो काफ़ी छोटी गाड़ी है और तो इसके चांस थोड़े से ज़्यादा है कि ये नीचे तक पहुँच सकती है। तो चलें जी ये कही अपना इंडिया की गाड़ी स्विफ्ट, और भाई साहब यहाँ पर जी जा रही है स्विफ्ट, और भाई यहाँ पर जी होने वाली है, अरे भाई भाई भाई, भाई। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर गाड़ी जो अगर नीचे गिर गई तो गिर गई, अरे भाई क्या बात है, अरे 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 भाई साहब पहुँच चुकी है यहाँ पर इंडिया की स्विफ्ट। तो और वाला वीडियो, लेकिन गाड़ी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तो चलें जी इस गाड़ी को हम इधर ही लगा देते हैं और अगली पाकिस्तान की गाड़ी लेके आते हैं। अब पाकिस्तान की गाड़ी यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर मुश्किल पेश आ सकती है पाकिस्तान की गाड़ियों को। तो यहाँ पर जी इंडिया का जी एक पॉइंट हो चुका है, तो अगली गाड़ी देख लेते हैं जी अपना पाकिस्तान की। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है होंडा सिटी। तो देखते हैं जी क्या होंडा सिटी इसको क्रॉस कर पाती है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी है और जो चौड़ी गाड़ी है तो जहरी बात है यार वो बड़ी मुश्किल से नीचे पहुँचेगी। तो चलें जी देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे पहुँच पाएगी या नहीं। तो ये जी हमारी होंडा सिटी गई है, तो यहाँ पर जो जा रही है, अरे भाई भाई यहाँ पर हमें बड़े आराम से प्यार से नीचे लेके जाना पड़ेगा, अगर नीचे गाड़ी गिर गई तो भाई गाड़ी का जो है वो कचूमर हो जाएगा। और भाई साहब क्या बात है, ये गाड़ी भी भाई यहाँ पर पहुँच चुकी है
और इस गाड़ी को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान का भी एक पॉइंट हो चुका है, एक पॉइंट इंडिया का हो चुका है। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये गाड़ी भी नीचे पानी में गिर जाएगी और इसका कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन भाई ये गाड़ी भी सही सलामत पहुंच गई है। तो चलें जी अगली देखते हैं जी, इंडिया की गाड़ी कौन सी सही सलामत नीचे पहुंचती है। ओके जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास अगली इंडियन गाड़ी आ चुकी है, मारुति की सुजुकी वैगनार। और देखते हैं क्या सुजुकी वैगनार नीचे तक पहुंच पाती है, क्योंकि यार ये छोटी गाड़ी है। अरे भाई भाई क्या हो गया है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अरे गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। और भाई क्या बात है भाई, बड़े ही यानी कि मुझे तो यही लगा कि गाड़ी ही नीचे गिर जाएगी, लेकिन भाई ये गाड़ी, अरे भाई क्या बात है जी, ये गाड़ी भी पानी में गिर चुकी है ऊपर से नीचे तक। तो इस गाड़ी का भी कोई पॉइंट ऐड नहीं होता। तो मैंने आप लोगों से पहले कहा था जो गाड़ी पानी में गिर जाएगी उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। चलें जी अगली पाकिस्तान की गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तान की गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, टोयोटा की क्रोला अल्टेस 1.6। देखते हैं क्या ये गाड़ी नीचे तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है और जो बड़ी गाड़ियों से मुश्किल पेश आती है। चलें जी ये गाड़ी, अरे भाई यहाँ से आते ही गाड़ी ठुक गई, तो सीधा मैं करके लगाता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और भाई साहब यहाँ से हमारी गाड़ी जो है जा रही है, अरे भाई 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 क्या बात, अरे भाई पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो घूम चुकी है। और यार यहाँ पर मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी नहीं पहुँच पाएगी, तो ये गाड़ी भी पानी में गिर चुकी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की गाड़ी का भी कोई पॉइंट नहीं ऐड होता। चलें जी अगली गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो अगली इंडिया की गाड़ी आ चुकी है होंडाई की। तो देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे तक पहुँच पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी नीचे तक नहीं पहुँच पा रही। तो जैसे ही यानी कि घूमती है गाड़ी तो सीधा पानी में चली जाती है। चलें जी ये इंडिया की गाड़ी गई है, और देखते हैं जी। और यहाँ पर जी सबसे जो मुश्किल पार्ट आता है वो है यहाँ से घूमना। अरे भाई यहाँ से तो ये बिल्कुल सही सलामत घूम चुकी है, लेकिन भाई यहाँ पर घूम के ये गाड़ी भी भाई फिर से पानी में आ चुकी है, और ये गाड़ी का भी कोई पॉइंट ऐड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा मुश्किल मोड आता है। तो चलें जी अगली देख लेते हैं जी पाकिस्तान की गाड़ी। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, टोयोटा की यारिस 2022 मॉडल। देखते हैं क्या टोयोटा की यारिस नीचे तक पहुंच पाती है या नहीं, क्योंकि अगर ये भी गाड़ी पानी में गिर जाए तो इसका भी कोई पॉइंट ऐड नहीं होगा, और अभी तक कोई गाड़ी का भी पॉइंट ऐड नहीं हो रहा। तो ये जी हमारी यारिस जा चुकी है यहाँ से, और यहाँ से जी इसे क्रॉस करना है ये वाला मोड़, और इसके बाद एक और मोड़ आता है ये, अगर ये क्रॉस कर गया, अरे भाई आप लोग देख सकते हो जो गाड़ी है, अरे भाई 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 अरे भाई क्या बात है यार, ये गाड़ी पहुँच चुकी है। तो गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, लेकिन भाई सही सलामत पहुंच चुकी है। चलें जी इस गाड़ी को भी हम इधर ही लगा देते हैं और अगली इंडिया की गाड़ी देखते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के हैं वो जी 2 पॉइंट हो चुके हैं, और इंडिया का भी फिलहाल की गाड़ी 1 पॉइंट है। चलें जी इस गाड़ी को हम इधर लगा देते हैं और अगली इंडिया की गाड़ी देखते हैं जी कौन सी यहाँ तक पहुँचती है। ओके जनाब, तो अगली इंडियन गाड़ी आ चुकी है हमारे पास, मारुति की सुजुकी। और देखते हैं जी क्या ये सुजुकी अपना नीचे तक पहुँच पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जो पॉइंट रेशो जा रही है वो है 1 इंडिया का और 2 है पाकिस्तान के। और ये जी हमारी जी गाड़ी की, अरे भाई यहाँ पर हमेशा गाड़ी ठुक जाती है। चलें जी इस गाड़ी को फिर से सीधा कर लेते हैं और देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे, अरे भाई यहाँ पर तो जो गाड़ी वो पूरी तरह उलट चुकी है, लेकिन देखते, अरे भाई सीधी हो गई है, अरे भाई क्या भाई इंसिडेंट है भाई, यहाँ पर जो गाड़ी है पहले उल्टी है फिर सीधी हो गई, और भाई अरे भाई क्या बात है, अरे भाई भाई मुझे लगा ये गाड़ी भी नीचे गई है। तो चलें जी इस गाड़ी को भी हम इधर ही लगा देते हैं और अगली देखते हैं जी पाकिस्तान की गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट रेशियो है वो बराबर हो चुके हैं, 2 पाकिस्तान के हो चुके हैं और 2 ही इंडिया के पॉइंट हो चुके हैं, तो पॉइंट यहाँ पर जो है वो बराबर हो चुके हैं। चलें जी अगली देख लेते हैं जी अपना पाकिस्तान की गाड़ी कौन सी नीचे पहुँचती है। ओके जनाब, तो अगली गाड़ी पाकिस्तानी आ चुकी है हमारे पास, टोयोटा क्रोला ग्रैंडी एक्स 1.6, काफ़ी मशहूर ज़माना गाड़ी है, लेकिन देखते हैं क्या ये मशहूर ज़माना गाड़ी नीचे तक पहुँच पाती है या नहीं। तो यहाँ से जी लेते हैं हम स्टार्ट, और जी ये गाड़ी हमारी जी गई है अभी नीचे, और भाई ये गाड़ी भी आई थिंक नीचे उलटने वाली, अरे भाई ये गाड़ी भी बहुत ही बुरी तरह से नीचे उलट चुकी है, लेकिन भाई अरे भाई बस सीधी हो गई, अब सीधी हो गई है भाई क्या बात है, ड्रिफ्टिंग मार रही है गाड़ी, फुल ड्रिफ्ट मारते हुए जा रही है, लेकिन भाई यहाँ पर जो गाड़ी है वो नीचे जाके गिर चुकी है। अभी काफ़ी अच्छा पॉइंट था इस गाड़ी का, अगर वो ड्रिफ्ट मार के नीचे चली जाती तो इसका एक पॉइंट ऐड हो जाना था पाकिस्तान का भी। तो चलें जी पाकिस्तान का भी यहाँ पर कोई पॉइंट ऐड नहीं होता, तो अगली देखते हैं जी इंडिया की गाड़ी। ओके जनाब, तो अगली इंडिया गाड़ी आ चुकी है हमारे पास सुजुकी, और देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे पहुँच सकती है या नहीं, क्योंकि यार ये गाड़ी जो है ये छोटी है और मेरे ख्याल से गाड़ी नीचे आराम से पहुँच जाएगी। तो चलें जी अभी स्टार्टअप इसने ले लिया है, और ये गाड़ी यहाँ पर उलट चुकी है और फिर से सीधी हो चुकी है, और भाई साहब यहाँ पर जो गाड़ी आप लोग देखते हो पूरी घूम घूम के जा रही है, और ये घूम घूम के यार पानी के नीचे ही आ चुकी है और नीचे चली गई है। तो यहाँ पर जी इंडिया का भी कोई पॉइंट ऐड नहीं होता, तो अगली देखते हैं जी गाड़ी पाकिस्तान की कौन सी पहुँचती है। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, टोयोटा की प्रियस, और देखते हैं जी क्या ये प्रियस नीचे पहुँच सकती है या नहीं। और ये जी इसने स्टार्टअप ले लिया है,
और यहाँ पर जी ये गाड़ी, ये भी गाड़ी भाई उलट चुकी है और यहाँ पर फिर से सीधी हो गई है और भाई साहब यहाँ पर फुल घूम रही है गाड़ी और देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे तक पहुँच जाएगी या नहीं। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी बड़ी ईजीली नीचे पहुंच चुकी है। तो चलें जी इस गाड़ी को भी हम इधर ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के पॉइंट है वो हो चुके हैं जी 3 और इंडिया के जो पॉइंट हैं वो हैं जी 2। तो एक पॉइंट से जो पाकिस्तान की गाड़ी है वो आगे जा चुकी है। तो चलें जी अगली आप देख लेते हैं जी इंडिया की गाड़ी कौन सी पहुँचती है यहाँ पर और क्या उसके नाम एक पॉइंट होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आती है गाड़ी इस जगह पर तो वहाँ पर मसला बनता है, वहाँ से ऊपर से तो नीचे गाड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही गोल सा चक्कर है, जो गाड़ी इस गोल से चक्कर को पार कर जाती है वो गाड़ी भाई नीचे पहुंच जाते हैं। चलें जी अगली गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो अगली इंडियन गाड़ी हमारे पास आ चुकी है हुंडई की सेंट्रा FE और देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे तक पहुंच पाएगी या नहीं, या ये गाड़ी भी धोखा दे जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो गोल चक्कर आता है ना भाई वहाँ पर ही सारा मसला होता है। चलें जी ये जी हमारी गाड़ी और यहाँ पर जी हमेशा की तरह गाड़ी जो है वो आई थिंक आगे नहीं जा रही, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये बड़ी गाड़ी है। चलिए जी कोशिश करते हैं शायद ये गाड़ी पहुंच जाए। एक सेकंड फिर से मैं पीछे से लेके आता हूँ इस गाड़ी को और भाई साहब यहाँ से, अरे भाई भाई क्या हो गया, ये गाड़ी तो जा ही नहीं रही आगे, अरे भाई चली गई अब गाड़ी, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है। और भाई साहब यहाँ पर जो गाड़ी है ये भी जा रही है, अरे भाई क्या स्पीड है इस गाड़ी की, और मेरे ख्याल से ये पहुँच जाएगी और भाई बड़ी, अरे भाई क्या बात है, बड़ी ही ईजिली ये गाड़ी पहुंच चुकी है। ओके जनाब, तो यहाँ पर जी इंडिया के भी हो चुके हैं तकरीबन पूरे 3 पॉइंट, तो यहाँ पर फिर से जो पॉइंट रेशियो है वो बराबर हो चुकी है और इस गाड़ी को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं और अगली पाकिस्तान की गाड़ी देखते हैं जी कौन सी नीचे तक पहुँच पाती है या नहीं। तो चलिए इस गाड़ी को हमने इधर लगा दिया है, अगली गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है जी होंडा रिबॉर्न, और देखते हैं क्या होंडा रिबॉर्न जो है वो नीचे तक पहुँच पाती है या नहीं। तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्पीड वाली गाड़ी है और मे बी ये नीचे भी गिर सकती है। और यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को कहा था कि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और ये गाड़ी भी बड़ी इजीली, अरे भाई क्या बात है, यहाँ पर जो गाड़ी है वो ऊपर चढ़ गई थी और ये गाड़ी भी भाई यहाँ पर पहुँच चुकी है सक्सेसफुली से। तो इस गाड़ी को भी मैं इधर ही लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पॉइंट रेशियो वो 4 हो चुके हैं जी पाकिस्तान के और जी अपना 3 पॉइंट हैं जी इंडिया के। तो एक पॉइंट से पाकिस्तान फिर से आगे जा चुका है। तो चलें जी अगली देख लेते हैं इंडिया की गाड़ी, क्या वो भी नीचे पहुंचती है और क्या उसके भी 4 पॉइंट होते हैं, क्या बनता है। तो चलें जी देखते हैं अगली गाड़ी। ओके जनाब, तो अगली गाड़ी आ चुकी है हुंडई की सिट्रा और देखते हैं जी क्या ये इंडियन की गाड़ी नीचे तक पहुँच पाती है या नहीं। और ये जी हमने स्टार्टअप ले लिया है, लेकिन भाई यहाँ पर ये थोड़ी सी ठुक चुकी है, लेकिन भाई फिर से हम ट्राई करते हैं। और ये गाड़ी भी भाई साहब यहाँ पर फुल स्पीड में जा रही है, अरे अरे भाई 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 क्या, अरे भाई साहब यहाँ पर तो गाड़ी यार फुल घूम चुकी है और ये गाड़ी भी भाई पानी में गिर चुकी है और यहाँ पर जो इंडिया का कोई पॉइंट ऐड नहीं होता। तो चलें जी अगली पाकिस्तान की गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो अगली पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है होंडा सिविक SI मॉडल और इस गाड़ी ने भाई हर दफ़ा धोखा दिया, हर दफ़ा धोखा दिया है। तो देखते हैं क्या ये इस दफ़ा ये गाड़ी अपना नीचे तक पहुंच पाएगी या नहीं। तो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं जी। और ये जी हमारी ये अभी गाड़ी गई है नीचे और देखते हैं जी क्या ये इस दफ़ा कोई पॉइंट कर पाती है या हर दफ़ा की तरह ये इस दफ़ा भी धोखा देगी। और ए भाई साहब यहाँ पर आप लोग देखते हो जो गाड़ी है वो यहाँ पर उलट चुकी है और भाई यहाँ पर उलट के ही नीचे जा रही है, क्या बात है। लेकिन भाई गाड़ी जो है वो पहुँच चुकी है सही सलामत, अरे भाई भाई आगे पानी में ना चली जाए। तो ये गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन भाई जो गाड़ी है वो उलट चुकी है बुरी तरह से। तो चलें सीधे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई सीधा नहीं हो रही। तो यहाँ पर जी पाकिस्तान का एक पॉइंट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये गाड़ी भी यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमने ये कहा था जो पानी में गाड़ी गिरेगी उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के तकरीबन हो चुके हैं जी 5 पॉइंट और इंडिया के जी हैं फिलहाल अभी तक 3 पॉइंट। चलें जी अगली इंडिया की गाड़ी देख लेते हैं। ओके जनाब, तो अगली गाड़ी हमारे पास आ चुकी है इंडिया की बुलेरो और काफ़ी ज़्यादा तकड़ी और भारी भरकम गाड़ी और बड़ी भी गाड़ी है। तो देखते हैं जी क्या ये बड़ी और तकड़ी गाड़ी नीचे तक पहुंच जाएगी या नहीं। तो चलें जी अभी देख लेते हैं। और ये जी इंडिया की गाड़ी गई है, मेरे ख्याल से तो ये गाड़ी इधर फंस जाएगी। अरे भाई ये गाड़ी भी पूरी तरह उलट चुकी है और फिर से सीधा हो चुकी, अरे भाई क्या बात है, यहाँ पर फिर से ड्रिफ्ट मारी है गाड़ी और मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी भाई पहुँच चुकी, अरे भाई क्या बात है, फुल ड्रिफ्ट मारते हुए ये गाड़ी भी भाई नीचे तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर जी इंडिया का एक और पॉइंट ऐड हो जाता है और इंडिया के हो जाते हैं जी 4 पॉइंट और पाकिस्तान के जो हैं वो हैं जी अपना 5 पॉइंट। तो एक पॉइंट से पाकिस्तान आगे लीड कर रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं जी अगली पाकिस्तान की कौन सी गाड़ी यहाँ तक पहुँच पाती है। चलो जी इस गाड़ी को हमने इधर लगा देते हैं। मेरे तो 50-50% चांस थे कि शायद ये गाड़ी नीचे तक पहुँचेगी, लेकिन यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी ने भी। चलें जी अगली देख लेते हैं जी पाकिस्तान की गाड़ी कौन सी पहुँचती है। ओके जनाब, तो अगली गाड़ी आ चुकी है हमारे पास पाकिस्तानी हाइलक्स 4X4 और देखते हैं जी
क्या ये 4X4 तगड़ी गाड़ी नीचे तक पहुंच पाएगी या नहीं। और जी ये लिया जी हमने स्टार्टअप, तो यहाँ पर जी अरे भाई यहाँ पर आते ही ठुक गई गाड़ी। चलें जी एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं, और आई थिंक ये फंस ना जाए गाड़ी, नहीं लगती फंसेगी नहीं। और देखते हैं ये गाड़ी कैसे नीचे पहुंचती है। अरे भाई भाई ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी तरह से पहुंच रही है। अरे भाई ये गाड़ी भी ऊपर चढ़ चुकी है जैसे कि बुलेरो चढ़ी थी, और ये गाड़ी फुल ड्रिफ्ट मारती हुई भाई आप लोग देख सकते हो क्या ही सीन बन गया। यहाँ पर टोक्यो ड्रिफ्ट हो गई है भाई, यहाँ पर ना टोक्यो ड्रिफ्ट जा रही है। चले जी इस गाड़ी को भी हम नीचे लगा देते हैं, और ये गाड़ी भाई पहुँच चुकी है सक्सेसफुल इसे ड्रिफ्ट मारते हुए भाई। तो चले जी इस गाड़ी को हम इधर लगा देते हैं। तो पाकिस्तान के यहाँ पर हो चुके हैं जी 6 पॉइंट, और इंडिया के जी हो चुके हैं अपना 4 पॉइंट। तो पाकिस्तान फिर से 2 पॉइंट से आगे लीड कर रहा है। चलें इस गाड़ी को हम इधर ही लगा देते हैं, और अगली गाड़ी देख लेते हैं जी इंडिया की कौन सी नीचे तक पहुंचती है फुल ड्रिफ्ट मार के। भाई मज़ा ही आ रहा है, आज तो ड्रिफ्ट लग गई है भाई गाड़ियों की। ओके जनाब, तो अगली इंडियन गाड़ी हमारे पास आ चुकी है टाटा सफारी VX4X4। देखते हैं जी क्या ये गाड़ी भी नीचे पहुंच जाएगी या नहीं, क्या ये भी ड्रिफ्ट मारते हुए पहुंचेगी। तो अभी लेट्स सी देख लेते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के 6 पॉइंट है, और इंडिया के जो हैं वो हैं जी अभी तक 4 पॉइंट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट से जो है पाकिस्तान आगे है, और देखते हैं जी क्या इंडिया का कोई पॉइंट ऐड होता है या नहीं, क्या इंडिया पॉइंट बराबर कर पाती है या 1 पॉइंट नीचे रहती है। तो चले जी स्टार्ट लेते हैं, और ये जी हमारी गाड़ी गई है, और यहाँ पर जी पहला स्टेप इसने काफ़ी अच्छा लिया है। और भाई साहब ये गाड़ी यहाँ से भी घूम चुकी है, और भाई अभी फ़िलहाल की गाड़ी तो जा रही, और भाई साहब यहाँ पर भी गाड़ी ये चढ़ चुकी है ऊपर फुल ड्रिफ्ट मारते हुए। अरे भाई क्या बात है, मज़ा ही आ गया यार आज, आज तो यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो भाई सारी की सारी जो गाड़ियाँ हैं वो ड्रिफ्ट ही मार रही हैं। तो यहाँ पर जी इंडिया के हो चुके हैं जी 5 पॉइंट, और पाकिस्तान के जी हैं 6 पॉइंट। चलें जी इस गाड़ी को हम इधर लगा देते हैं, और आखिरी गाड़ी देखते हैं जी कौन सी पहुंचती है नीचे, और क्या ये कंपटीशन बराबर रहने वाला है या 1 पॉइंट से पाकिस्तान जीतती है या इंडिया। तो देखते हैं, अभी इंडिया 1 पॉइंट से पीछे है पाकिस्तान से। चलो जी अगली पाकिस्तान की और आखिरी गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो आखिरी पाकिस्तानी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है जी लैंड क्रूज़र V8 VXR, और देखते हैं जी क्या ये गाड़ी नीचे तक जाएगी ड्रिफ्ट मार के यार धोखा दे जाएगी। तो यहाँ पर जी ये हमारी जी गाड़ी गई है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है आप लोग देख सकते हो। और भाई साहब यहाँ पर जो गाड़ी है पूरी तरह भाई, अरे भाई क्या हो गया रिवर्स। तो यहाँ पर जी हम रिवर्स गाड़ी को लेके जाते हैं मेरे ख्याल। अरे भाई ये गाड़ी भी ऊपर चढ़ चुकी है, लेकिन अरे भाई क्या बात है, अरे यार क्या बात है, क्या यार इसने स्टंट दिखाया इस गाड़ी ने। लेकिन भाई ये गाड़ी भी पहुँच चुकी है बड़े ही आराम से, वहाँ से जंप लगा कर इस रैम्प के ऊपर आ गई, वहाँ से जंप लगा के इस स्लाइड के ऊपर आ गई थी यार, कमाल ही कर दिया इस गाड़ी ने। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के पॉइंट हो चुके हैं जी अपना पूरे 7, और जो इंडिया के हैं जी वो हैं जी 5 पॉइंट। तो जाहिर बात है पाकिस्तान 2 पॉइंट से फिर आगे जा चुकी है। चलें जी आखिरी इंडिया की गाड़ी देखते हैं। ओके जनाब, तो आखिरी इंडिया की गाड़ी आ चुकी है हमारे पास जीप, और देखते हैं जी क्या जीप नीचे तक पहुंच पाएगी। और यहां पर जो पाकिस्तान के पॉइंट है वो 7 हो चुके हैं, और इंडिया के जो हैं वो 5 हो चुके हैं। तो चलें जी देखते हैं जी क्या ये भी, अरे भाई भाई यहाँ पर तो इंडिया की गाड़ी आते ही ऊपर चढ़ गया भाई, अभी ऊपर नहीं चढ़ना। अरे भाई यहाँ पर मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई, हो क्या रहा है, अरे भाई क्या बात है। तो यहाँ पर जो इंडिया की गाड़ी आप लोग देख सकते हो भाई फिर से ऊपर चढ़ चुकी है, और यहाँ पर फुल ड्रिफ्ट मारते हुए ये गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है। और भाई बड़े ही आराम से ये गाड़ी भी नीचे पहुँच चुकी है, और यहाँ पर जो इंडिया के हैं जी वो पॉइंट हो चुके हैं 1 ऐड। तो चलें जी इस गाड़ी को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जी इंडिया के पॉइंट हो चुके हैं जी 6 पॉइंट, और पाकिस्तान के हैं जी 7 पॉइंट। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया की गाड़ियों ने भी, और पाकिस्तान की गाड़ियों ने भी काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा परफॉर्म किया। तो चलें जी यहीं पर वीडियो को तमाम करते हैं। अगर आप लोगों को गाइस आज की वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।